अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैडम को घर आगे लेना, मैडम का फोटो आ जाए, प्रिंसिपल मैडम का फोटो। इधर के इधर पास कुछ लेना पड़ेगा, वायर चाहिए ना। वो तो यहाँ सामने से लेने के खुल जाएगा। ये सोने जाने इसकी शेयर है इसमें क्योंकि इसमें लॉक भी करते हैं ना, उसको सील करते हैं। पांच ऑफिस पहले से हो सकता है क्योंकि आपको आज वो बोल रहे हैं कि आज तो Yeah.
अब सर मेरे को तो नहीं मालूम, हम तो कर्मचारी। कब से लगा हुआ? 3-4 दिन से लगा। किसने लगाया था? काम करके हम चले जाते, चाबी ये सामने दे देते कि उन्होंने 8 दिन पहले मेरे को बोला था कि चाबी ना सामने दे देना, मैं दे देती। किसने? शब्बीर भाई ने। वो क्या है यहाँ पर? वो सेक्रेटरी है, कौन है, अधिकारी है, वो बोल देते हम जो करते। आप कितने वर्ष से नौकरी कर रही हैं? मैं तो इंदिरा गांधी मरी उसके 2 साल बाद से नौकरी करती हूँ। ब्रेड स्टार में? हाँ। क्या नाम है आपका? उषा सिंह। और संस्था का क्या पूरा नाम है इसका? ब्राइट स्टार। क्या पद पे यहाँ पे आप? मैं तो बाइक का काम करती हूँ सर। बताएं किस कॉलेज से संबंध रखती है आप और कहाँ नौकरी करती है? मैं ब्राइट स्टार सेंट्रल एकेडमी CBSE ब्रांच है जो कि ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन के द्वारा संचालित होती है, वहाँ की प्रिंसिपल हूँ। कहाँ पर स्थित है ये? इटावा पुष्पकुंज कॉलोनी में। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ ताले लगे हैं, इसका क्या पूरा मामला है? सर इसका ये कि हमारी जो संस्था है यहाँ पे अभी तक जो कार्यकारिणी है वो उनके जो मेंबर है जो शब्बीर सर सेक्रेटरी के तौर पे और राजीव सर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे और प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर हन्नान फारूकी, उन्हीं के हाथ में भी था संचालन। उन लोगों की तरफ से हमको मैसेज मिला था 21 तारीख की शाम को कि आप लोगों को कल स्कूल नहीं आना है, क्योंकि नहीं 20 की शाम को मिला था कि आपको नहीं आना है, आपको हमको मैनेजमेंट का हमको पर्सनल काम है। तो हम लोगों ने होता है भाई कई बार इनकी मीटिंग वगैरह होती है तो मैनेजमेंट की मीटिंग में स्टाफ को रिलीव कर देते हैं, हम चले जाते हैं। तो इसी पर्पज़ से मालूम पड़ा था कि उन लोगों ने मना किया है। फिर अगले दिन का बोला, पूछा कि सर हमें 1 दिन की छुट्टी थी, अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि आपको कल भी नहीं आना। फिर हमें हमारे प्यून के जरिए पता चला कि वहाँ की चाबियाँ वो लोग लेके गया। प्यून के हिसाब से कौन लेके गया कुछ? सर राजीव सर आए थे जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, उन्होंने आए और ऑफिस की सब चाबियाँ लेके गए। तो अभी यहाँ पर ही हम देख रहे हैं आदर्श नगर में जो ब्राइट स्टार संस्था है यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर बाहर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या इसका संस्था पे कोई असर पड़ने वाला है इन ताला लगने की वजह से? ऐसा लग रहा है कि आपको सर तरीके से तो ये मतलब मैनेजमेंट का आपस का मैटर था, तो ऑफिस को बंद करना तो गलत है क्योंकि उसमें एकेडमिक बहुत सारे काम होते हैं जो कि स्कूलों में और कॉलेजों में करना पड़ते हैं, उन सब चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पेरेंट्स रिटर्न जाते हैं बहुत सारी। तो कॉलेज का एडमिशन का समय भी चल रहा है अभी? हाँ, वो कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, तो उनका भी काम रुक रहा है सब चीज़ें, क्योंकि ऑफिस का तो डॉक्यूमेंट्स तो ऑफिस में होते हैं ना सर, हम घर बैठ कर काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? संजीदा खान, प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट स्टार सेंट्रल एकेडमी इटावा देवा। क्या हुआ आज यहाँ पर संस्था के इसमें आप जो आए और क्या करा आपने इसका विस्तार से जाना? हमारी समिति को न्यायालय देवास ने आदेश दिया और उस पर हम जो है कल चाय लेने के मकसद से आए थे, जिसमें हमने पाया कि चाबियाँ जो है भाइयों से लेकर पूर्व सचिव चले गए हैं, तो हमने कल बाहर बैठ के ही अपना कार्यक्रम करा था और कल ही हमने उनको जो है कोरियर द्वारा जो है पहुँचाई गई थी, नोटिस पहुँचाया था और उसको तामील करवाया और आज उनको 9 बजे तक का टाइम दिया था, मगर वो आज 12 बजे तक भी उपस्थित नहीं हुए और उसके साथ ही उन्होंने चाबी भी नहीं पहुँचाई। तो आज हमने विधिवत तरीके से पंचनामा बनाकर वो ताले खुलवा कर और ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि अति आवश्यक था, शैक्षणिक सत्र चल रहा है, एडमिशन चल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि 4 दिन से जो है ऑफिस बंद थे और इन्होंने जो है न्यायालय की अवहेलना की है, इस पर हमने उनको नोटिस दिया है जो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका नाम? मेहसर अली सैयद, अध्यक्ष प्राइस का मुख्यमंत्री।